हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बिना चाशनी की गुजिया और चाशनी वाली गुजिया। आपको सभी को पता ही होगा कि गुजिया ज़्यादातर होली के टाइम पे बहुत ज़्यादा खाई जाती है या हर किसी के घर में आपको मिल ही जाएगी। तो आज हम ये ट्राई करते हैं बिना चाशनी के और चाशनी वाली गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। तो यहाँ पर मैंने मावा लिया है, इसको हम खोया भी बोलते हैं। इसको हम क्रश कर लेंगे, छोटे छोटे तोड़ लेते हैं इसको, या आप कद्दूकस कर लें या हाथों से तोड़ लें। और एक कढ़ाई में डाल लेंगे इसको और चलाना है इसे अच्छे तरीके से जब तक ये भुन ना जाए। आप देख सकते हैं ये थोड़ा पतला होने लग गया है। इसको अच्छी तरीके से चलाते रहना है कि नीचे चिपके ना, और इसका आप देख सकते हैं कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। अब हम निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं हमारा मावा भुन चुका है। आप देख सकते हैं दोनों मावे में कितना फ़र्क है कलर का। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। ये मैंने कुछ को मैंने काट लिया है, बादाम और काजू को, और आधे जो काजू और बादाम है उनको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अब हम मैदा लेंगे, इसके अंदर मैं आधी कटोरी रिफाइंड ऑयल डालूंगी, और इस रिफाइंड को आपको मैदे के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आप दोनों हाथों का यूज़ करें, दोनों हाथों से मसलते हुए आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको रिफाइंड को मैदे के अंदर मिक्स करना है। ये आपको जब तक मिक्स करना है कि जब तक आपका मैदा जब आप मुट्ठी में लो ये खट्टा ना होने लग जाए। आप देख सकते हैं मेरा मैदा खट्टा होने लगा है। और इसमें हम डालेंगे पानी, इसको गूंथना स्टार्ट करेंगे। मैदे को हमें बिल्कुल सॉफ्ट ही गूंथना है, ना ज़्यादा टाइट गूंथना है, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको पूरे मैदे को खट्टा कर लेना हमें, एकदम से पानी ना डालें। आप देख सकते हैं मैं अब हथेली का यूज कर रही हूँ दोनों। ये मेरा मैदा खट्टा हो चुका है। अब मैं थोड़ा तेल लगाऊंगी हाथों पे, क्योंकि इससे क्या होगा हमारा मैदा और हाथ पर चिपकेगा नहीं। इसको अच्छे तरीके से हथेली से मसलते हुए और मुट्ठी से गूंथते हुए करें। और यहाँ पर हमारा मैदा बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है यहाँ पर हमारा मैदा। रिफाइंड लेंगे हाथ पर और इसको मैदे के ऊपर लगा देंगे और गीले कपड़े से ढक देंगे इसको 15 मिनट के लिए। अब हम ले लेंगे मावा, मावा के अंदर पीसे हुए मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे थे जो मिक्सी में पीस के, वो डाल देंगे। और इसी के साथ ही मैं डाल दूंगी चॉप की हुई ड्राई फ्रूट्स जो मैंने बादाम और काजू हैं हमारे, वो इसको इसी में ही डाल देंगे। ये मैं एक साथ ही मिक्स कर रही हूँ, और ये जो कर रही हूँ मैं मिक्स, ये चाशनी वाले गुजिया के लिए मिक्स कर रही हूँ अभी। चाशनी वाले गुजिया में हमें शुगर नहीं डालनी पड़ती है, शुगर पाउडर जो होता है वो नहीं डालनी होती है। और जो बगैर चाशनी वाली जो गुजिया होती है उसके लिए स्टफिंग के अंदर हमें शुगर पाउडर डालना होता है। तो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, इसमें से मैं आधा निकाल लूँगी, उसके बाद उसमें मैं शुगर मिक्स करूँगी। तो यहाँ मैंने मावा निकाल लिया है आधा, इसमें मैं शुगर पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो बूरा या चीनी पीस के डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी दोनों स्टफिंग तैयार हो चुकी है, एक बिना चाशनी वाली की और एक चाशनी वाली गुजिया की। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अब हमारा मैदा भी तैयार है। मैंने हाथों पे थोड़ा ऑयल लगाया, उसको मसला है थोड़ा मैदे को। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। आपको छोटी छोटी लोई लेनी है आपको, इस तरीके से आप देख सकते हैं
इसको मुट्ठी में मसलते हुए ऐसे ही पहले रख लें, तीन चार बना के। चाहें आप सारी बनाकर रख लें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पर हम हाथ को गोल गोल घुमाते हुए छोटी छोटी जैसे रोटी के लिए हम बनाते हैं ना लोइयाँ, वैसे बना के रख लेंगे और एक गीले कपड़े से ढककर रख देंगे। चाहे आप सारी बना के रख लीजिए, चाहे चार पांच बना के रख लीजिए। अब हमने जो मावा लिया था वो थोड़ा मतलब सूख, आपको पता ठंडा होने के बाद वो टाइट हो जाता, तो हम उसको पहले क्रश कर लेंगे जो हमने स्टफिंग बनाई थी गुजिया में भरने के लिए। तो ये हमारा अब हमने पूरा क्रश कर लिया है। अब हम चकले के ऊपर तेल लगाएंगे थोड़ा सा, इस पर लोई रखेंगे और बेलना स्टार्ट करेंगे। जैसे छोटी छोटी पूरी होती है ना उस तरीके से इसको बेलना है। ज़रूरी नहीं पूरी बिल्कुल गोली बेली जाए, आप थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए ऐसा कोई वो नहीं है। और हम मशीन लेंगे गुजिया बनाने की, उसके ऊपर पूरी को डालना है आपको। अब हम इसमें डालेंगे स्टफिंग, मैं इसमें 2 चम्मच स्टफिंग डाल रही हूँ और किनारों पर मैं थोड़ा सा पानी लगा के इसको दबा दूँगी और जो एक्स्ट्रा जो लोई होती है उसको निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा मैदा हमने निकाल लिया है, अब हम गुजिया को खोल देंगे। अब देख सकते हैं हमारी गुजिया बन के तैयार है। इसी तरीके से आपको सारी गुजिया बनानी है, चाशनी वाली भी और बिना चाशनी की भी। तो मैंने यहाँ पर दोनों बना के रख लिए हैं। अब हम अपनी चाशनी वाली गुजिया की फ्राई करने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 गिलास मैंने पानी डाला है, इसमें मैं 0.5 किलो से ऊपर चीनी डाल रही हूँ। इसको उबाल आने तक पकाना है। और दूसरी कढ़ाई पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, उसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे। चीनी हमारी घुल चुकी है बट अभी एक तार की चाशनी नहीं हुई है, इसमें अभी उबाल आया है हमने कच्ची से देखा है और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप टपक रहा है, तो अभी एक तार की चाशनी नहीं बनी है। रिफाइंड हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जब तक डालते हैं गुजिया सेकने के लिए, एक एक गुजिया डालनी है हमें। हम सबको हम पलट लेंगे। यहाँ पर हमारी सारी गुजिया पलट चुकी हैं और ये फ्राई भी हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो दूसरी तरफ हमारी एक तार की चाशनी भी तैयार है, आप देख सकते हैं हमारी चाशनी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम गरम गरम गुजिया इसी के अंदर हमको डालना है, गरम चाशनी के अंदर। गैस को हमें कम रखना है और गुजिया को हमें 1 से 1.5 मिनट तक चाशनी के अंदर रखना है और चलाना है। अब हम इसे निकाल लेंगे। गुजिया को हमें गरम चाशनी में ही डालना है। ये हमारी फ्रेंड्स चाशनी वाली गुजिया जो है वो तैयार है। तो अब हम यहाँ पे फ्राई करें बिना चाशनी वाली गुजिया। फ़र्क ये है बस, बिना चाशनी वाली जो गुजिया हम जो बनाते हैं फ्रेंड्स, उसमें बस फ़र्क है इसकी जो स्टफिंग में है ना मीठा डालना पड़ता है, और जो चाशनी वाली गुजिया होती है उसकी स्टफिंग में हम लोग मीठा नहीं डालते हैं क्योंकि उसमें चाशनी में डुबोनी पड़ती है वो, और इसको हम चाशनी में नहीं डालते तो इसकी स्टफिंग में हमें मीठा डालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स हमारी ये गुजिया भी तैयार है, बिना चाशनी वाली गुजिया भी और चाशनी वाली गुजिया। तो आपको फ्रेंड वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी होली।